सो दिस इज द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। क्या होता है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, दिख रहा है ना सबको क्लियर? उसमें दिख रहा है कि नहीं मोबाइल में? दिख रहा है सर, दिख रहा है। अरे इसको वाईफाई तो दे दिए। मीटिंग आई थी, तुम क्यों पूछ रहे हो? उस पर ग्रुप पे भेजा है तुम्हारे, कहाँ है तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप पे? ये तो उस पर दिस इज द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। बेसिकली क्या होता है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट? जो लिमिट टेस्ट हम सल्फेट का करते हैं, बेसिकली ये इस सिद्धांत पे आधारित है कि सॉल्वल सल्फेट का कहीं कोई सोलूशन होगा और बेरियम क्लोराइड होगा, डाइल्यूट एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? इन सॉल्वल बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये इनसॉल्वल होता है इसलिए इसी का प्रेसिपिटेट बनता है। इस प्रेसिपिटेट को हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन से क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, आप जैसे रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रिएक्शन दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है, जो सल्फेट होता है वो आपका पोटेशियम सल्फेट होता है, ठीक है, ये अंडर स्टोर होता है, और बेरियम क्लोराइड दिख रहा है, एसिटिक एसिड ऊपर है, बेरियम सल्फेट बनता है, प्रेसिपिटेट का डाउनवर्ड एरो, ठीक है, और क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट, 2KCl। फिर बेरियम क्लोराइड और रिएक्शन करेगा, जो भी बचा हुआ सल्फेट होगा वह टोटल बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपका आपका फिर क्या बनेगा, क्लोराइड मुक्त हो जाएगा। तो इसी क्लोराइड को रिएक्शन होने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, ठीक है। तो फिर वही कंसेप्ट है यहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर क्या मिलाएंगे, जैसा कि काम हो रहा था उसमें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में, जब नाइट्रिक एसिड यूज हो रहा था तो किस लिए यूज हो रहा था? प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ अनदर आयन बाई कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक बेसिक चीज मैंने बता दिया। अब रिएक्शन आपको थोड़ा ढंग से लिखना होता है, इसमें जैसे नाम नहीं लिखा है कि पोटेशियम सल्फेट कहाँ है, पोटेशियम सल्फेट के नीचे लिख दिया, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपको थोड़ा रिएक्शन ध्यान से लिखना होता है, कैपिटल क्या है, स्मॉल क्या है, ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसमें जो आपका ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है ये पूरा कहानी वही है, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक बार पढ़ लेना है, ना समझ में आए पूछिए आपके यहाँ से। बात करते हैं प्रोसीजर की, कैसे करेंगे प्रोसीजर। देखो जितना लिमिट टेस्ट करते हैं किस में करते हैं, नेस्ला सिलेंडर में। दो सोल्यूशन बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड और टेस्ट, दोनों को अलग अलग नेस्ला सिलेंडर लेके लेबल कर देंगे, ठीक है। फिर आपके दिमाग में आ रहा है सोल्यूशन कैसे लेंगे, तो सोल्यूशन बेसिकली अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 15 ml सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, और उसमें क्या करेंगे, 15 ml डिस्टिल वाटर मिक्स करेंगे, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर के बाद क्या करेंगे, ये सारा काम किस में करते हैं हम लोग, हाँ ये सारा काम हम लोग नेस्ला सिलेंडर में करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नीचे 0.5 ml हाई मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, हाई मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, रिएक्शन देखिए, रिएक्शन ऊपर क्या लिखा है, कंटेंट को देखो, याद करने का सही तरीका है कि रिएक्शन पता होना चाहिए, रिएक्शन में क्या क्या कंपाउंड है, फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर कितना अमाउंट होना चाहिए, है ना। तो अमाउंट क्या है एग्जैक्टली, कभी कभी आप नहीं लिख पाते हैं तो भी चल जाता है, बट एग्जामिनर क्या करता है, रिएक्शन देखता है, रिएक्शन सही है कि नहीं है, प्रेसिपिटेट बना है कि नहीं बना, किस चीज़ का प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद 2.5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 50 ml तक डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद ग्लास राड से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसको क्या करेंगे, स्टैंड कर देंगे, पूरी इंजेक्शन हो जाए और वह स्टेबल हो जाए। फिर क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट सोल्यूशन बना के उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो है टेस्ट सोल्यूशन कैसे बनेगा। वही है कहानी, एज पर इंडियन फार्माकोपिया डायरेक्टर भाई, या एज पर द गिवन डायरेक्शन, या एज पर द मोनोग्राफ मेंशन इन द इंडियन फार्माकोपिया ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। हर कंपाउंड का जो लिमिट टेस्ट है वो अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट के लिए क्या होता है, हम क्या फॉलो करते हैं, मोनोग्राफ फॉलो करते हैं, आई पी में जो मेंशन रहता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, किस में मिक्स करेंगे ये सारा चीज़, नेस्लर्स के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद का जो प्रोसीजर होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे आपको बताइए, कंपैरिजन करेंगे, है ना। अब आप फिर वही लैंग्वेज लिखिए, ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे आप बताइए। ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है कि जो चीज़ आपको दिख रही है उसी को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्या ऑब्जर्व करोगे, इंटेंसिटी ऑब्जर्व करोगे टेस्ट सोल्यूशन की, है ना। और इंटेंसिटी चेक करोगे कि स्टैंडर्ड की कम है कि ज़्यादा है। अगर स्टैंडर्ड की इंटेंसिटी जो है एपाइलिसंस टेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि टेस्ट की इंटेंसिटी कम है, और लिमिट टेस्ट क्या होगा, पास हो गए या फेल। देखो स्टैंडर्ड की टर्मिनिटी क्या है, ज़्यादा है टेस्ट के कंपेरिजन में, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऐसे भी कह सकते थे ना कि टेस्ट का जो इंटेंसिटी है स्टैंडर्ड के कंपेयर में क्या है, कम। तो लिमिट टेस्ट क्या होगा, पास हो जाएगा, एंड वाई से वर्सा, ठीक है, नहीं तो नहीं पास होगा। अब ये प्रोसीजर आउट दिया है आपको, ये क्या करना है, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जैसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे, आपके दिमाग में आएगा ना कि सर स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने का तरीका होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है, इसको हीट करेंगे 1.5 ग्राम 50 ml वाटर में क्या करेंगे, हीट करेंगे। फिर उसके बाद ये प्रोसेस होती है वाटर बाथ होता है, वाटर बाथ होता है एक वो उसके ऊपर वो बना होता है जाली टाइप का, ठीक है, और भाप निकलती है तो उसको ऊपर रख देते हैं, उसमें गर्म करते हैं, 6 ml एथेनॉल मिलाएंगे, वो भी 95% प्योरिटी वाला, ठीक है। कूल करने के बाद फिर डाइल्यूट करेंगे 60 ml वाटर के साथ, फिर फिल्टर कर देंगे, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, फिर वही प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें और है, जैसे बेरियम सल्फेट रिएजेंट कैसे बनाएंगे, 10 ml बनाने के लिए 10 ml वाटर ले लेंगे, 25% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ बेरियम सल्फेट, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये सब लेबोरेटरी इंचार्ज का काम होता है, ठीक है, वो रिएजेंट तैयार कर देगा, लैब टेक्नीशियन होना अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, आपको सोल्यूशन बना बनाए मिल जाएगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। नहीं, मोलर क्वांटिटी नहीं निकालना होता है, और पूछिए, ठीक है। अब जैसे 600 सल्फेट ppm ये सब क्या होता है, कैसे बनेगा, ये आप एक बार देख लेना इन क्वांटिटी में, ठीक है। थोड़ा डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो मैंने कंटेंट आपके लिए तैयार कर दिया, नेक्स्ट बार देखते हैं, ठीक है। क्लोराइड वाले में जो थोड़ा मैंने डिटेल में बताया, हर प्रिंसिपल लगभग सेम होता है, ठीक है। और सल्फेट वाला बहुत सिंपल है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि रिएक्शन नहीं करना है यहाँ, उसमें क्लोराइड में क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था, इसमें क्या था, बेरियम सल्फेट था, क्लोराइड था, ध्यान से देना, अब यही बच्चे सब गड़बड़ कर देते हैं, बेरियम सल्फेट नाइट्रेट उसका क्लोराइड का इसमें डाल देते हैं, सल्फेट का उसमें, तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान से देना है।
देखो जाहिर सी बात है कि हमें कोई कंपाउंड चाहिए सल्फेट में याद करने का सही तरीका बता दो। क्लोराइड से जो आपका है बेरियम क्लोराइड सल्फेट बनाएगा तो हमें तेरा क्लोराइड चाहिए, ठीक है। तो क्लोराइड वाले में बेरियम क्या रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है। वहाँ ऑलरेडी सोडियम क्लोराइड रहता है, सिल्वर नाइट्रेट रहता है, ठीक है। इनफैक्ट कि आप अभी जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो चीज़ें हैं ना प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का पार्ट है। आपको मैं दिखा दूँ, सोडियम क्लोराइड जो है ऊपर देखिए, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट जो है, जो सिल्वर नाइट्रेट लिखा है और सोडियम क्लोराइड लिखा है, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है जो, यह एक रिएक्शन का नाम है, समझ गए। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें पढ़ेंगे फजांस मेथड, बुलहार्ड मेथड, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के पार्ट उसमें आएगा। जब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ाएंगे तब भी फिर ये घूम के आएगा, फिर मैं आपसे रिएक्शन पूछूंगा क्या होता है। बात करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ठीक है। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन क्या करता है? आयरन वाले सबसे पहले पता होना चाहिए कितने फॉर्म में होता है, कितने रूप में होता है। नहीं, वो तो आप ओर के बारे में बता रहे हैं, रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म क्या होता है? फेरस। ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होता है? फेरी, ठीक है। तो आयरन का लिमिट टेस्ट कैसे करेंगे? आयरन का लिमिट टेस्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कि कोई सॉल्युबल आयरन होना चाहिए और थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है, ठीक है। थायो मैंने बताया था ना जब IUPAC पढ़ा था, थायो क्या होता है? SH, ठीक है। थायोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है इसके प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करता है और साथ में अदर कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा? पर्पल, ठीक है, रेड पर्पल कलर, रेडिश पर्पल कलर बनेगा, ठीक है। और ये आपको इस तरह से कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग करके दिख रहे होंगे नीचे, ये जो है रिएक्शन आपको ध्यान से लिखना है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी है, दोनों बात है। हाँ, तो गलत नहीं करना है आपको, ध्यान से बनाना है। अब हमें तो कुछ लिखना तो है नहीं, हमें लिखा लिखा है मिल रहा है, आप लोग क्या करेंगे? इसको कहानी नहीं सुनना है, कुछ लिखो, घर पे देख लेना, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग देख लेंगे। और रिएक्शन चाहो तो लिख लो, पहले अब बेरियम सल्फेट का लिखिए, बेरियम वाला लिखे देना, बेरियम वाला गुड। आयरन का आप लिखिए, लिखोगे तभी पूछोगे कि सर ये कैसे कैसे आया। ठीक है, तो इसमें फेरिक दिख रहा होगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड दिख रहा होगा। ये बेसिकली जब दोनों सोल्यूशन होते हैं ये आपके कलरलेस होते हैं, बट जैसे रिएक्शन करेंगे रेडिश पर्पल कलर बनाएंगे। और इस कलर को हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर कर लेंगे। तो अगर इंटेंसिटी लेस है स्टैंडर्ड के कंपेरिजन में टेस्ट की तो वो क्या लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। इंटेंसिटी अगर क्या है, हाई है स्टैंडर्ड कंपेरिजन में, तो लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। यही कहानी थी। अब मैंने आपको 8-10 लाइन में इतना ब्रीफ में बता दिया, ठीक है। अब आपको इतना लंबा चौड़ा पूरा लाइन दिख रहा होगा। प्रोसीजर में आपको क्या करना है? थोड़ा ध्यान देना है। प्रोसीजर में आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सा कंपाउंड हमें लेना है, और अमाउंट याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं याद हो रहा है तो परेशान मत होना, अमाउंट इधर उधर चेंज कर लेना, ठीक है। पांच लोग ज्वाइन किए हैं, हाँ ठीक, रियल मी नाम चेंज कर लेना, ठीक है। शिवा प्रजापति, वन प्लस सनी वर्मा, ठीक है। अब चलते प्रोसीजर। सर ये FE पे 3+ है और FE पे 2+ है। रिड्यूस हो गया ना, रिडक्शन होगा ना, फेरिक से फेरस हो जाएगा।
ठीक है। अब यही फिर रिएक्शन के बाद क्या होता है, कलर्स हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने पहले बताया कि आयरन कितने रूप में होता है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोसीजर क्या होता है। देखो सारा काम किस में करेंगे, कौन से कंटेनर में, नेस्लर स्टैंडर्ड लेवल करेंगे, टेस्ट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, 2 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे आयरन का, और 40 ml में क्या करेंगे, वाटर में डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 ml 20% वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड लेंगे, और ऐसा सिट्रिक एसिड लेंगे जिसमें आयरन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें आयरन की इम्प्योरिटी रहती तो फिर वो गलत रीडिंग दे देगी आपका। तो ये कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर होते हैं, आयरन फ्री, ब्रैकेट में लिखा है आयरन फ्री। एड टू ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोल। ठीक है, जैसा रिएक्शन में आप देख रहे हैं, बीच में क्या रहेगा, थायोग्लाइकोल क्या होता है, SH, ग्लाइकोलिक एसिड, एसिटिक एसिड। एक्चुअली क्या है ना, 20% सोल्यूशन बनता है, कैसे बनेगा 20% माने क्या होता है, 100 ml। फॉर एग्जाम्पल जैसे ml में बना रहे हैं तो 100 ml कोई सॉल्वेंट होगा। तो सोल्यूशन बनाने का दो तीन बेसिक चीज़ें, सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जो मिक्स होगा तो सोल्यूशन बनेगा, 3 कीवर्ड। तो इसमें सॉल्यूट क्या है, सिट्रिक एसिड। ठीक, अब हर कंपाउंड का सोल्यूशन बनाने का स्टैंडर्ड तरीका होता है। ठीक है, ये लेबोरेटरी इंचार्ज को अच्छे से बताया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे 20% है, किसी सॉल्वेंट में 20 पार्ट होना चाहिए, 100 पार्ट में से 20 पार्ट होने चाहिए किसके, सिट्रिक एसिड। उस सोल्यूशन को हम लोग कितना निकालेंगे, 2 ml का। ठीक है, इसके अलावा थायोग्लाइकोलिक एसिड लिक्विड में आता है, तो 2 ड्रॉप उससे निकाल लेंगे। अमोनिया सोल्यूशन डालेंगे, अमोनिया बेसिकली क्या होता है, नेचर उसका एल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, क्या होता है, लुइस बेस, क्यों, दीज आर द कंपाउंड विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिक नेचर का होता है, इसका क्या करेंगे, 50 ml डिस्टिल वाटर के साथ एडजस्ट करेंगे, फिर सोल्यूशन को मिक्स करेंगे, 5 मिनट के लिए स्टीयर कर देंगे, फिर क्या करेंगे, वही टेस्ट सोल्यूशन बना के ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, फिर इसका टेस्ट सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, एज पर द डिस्कस्ड इन द मोनोग्राफ ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, 40 ml बना लेंगे। ठीक है, और इसके बाद बाकी जो बचा हुआ सोल्यूशन है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा टेस्ट सोल्यूशन बनाने में ही दिक्कत करते हैं बच्चे, बाकी ये तो बना बनाए मिल जाता है, तभी रीडिंग को गड़बड़ कर देते हैं, कोई पानी कम मिलाएगा, कोई जैसे कहा गया 40 ml मिलाना हो 45 मिला देगा, फिर क्या करेगा, 50 ml मिला के 40 ml 10 ml बाहर निकाल देगा, तो गड़बड़ कर देते, सोचते हैं कि पानी निकाल देंगे उसी में सोल्यूशन भी निकल जाता है ना, तो ये गड़बड़ी करते हैं, इसको बोलते हैं मैनुअल एरर। ठीक है, फिर पर्पल कलर क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड के कंपेयर में कम होना चाहिए, इसलिए वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, उसका लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक बताया गया कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक, ऊपर रिएक्शन आपको ध्यान से देना, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, रेडिश पर्पल कलर, यहाँ पे आप लिख लेना फेरस थायोग्लाइक, जैसे लिखा है फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में लिख लेना रेडिश पर्पल कलर। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। ठीक है, हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट, हैवी मेटल्स क्या होते हैं, हैवी मेटल्स में बहुत सारे मेटल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लेड आता है, आर्सेनिक आता है, बिस्मथ आता है, मरकरी आती है। ठीक है, टिन, कैडमियम, सिल्वर, कॉपर और मोलिब्डेनम। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में यूजुअल लिमिट इसकी कितनी होनी चाहिए, 20 ppm। ठीक है, ppm का मतलब मैंने बताया था ना आपको। ठीक,
तो ये आपका 20 ppm होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इनके क्या बनते हैं, सल्फाइड्स बनते हैं, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक। सल्फाइड के साथ जाहिर सी बात सल्फाइड बनेगा तो कोई सल्फाइड लिया, और सबसे बढ़िया सल्फाइड कौन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है। तो आप यहीं पर रिएक्शन करा दीजिए, जैसे लेड का है तो लेड क्या बनेगा, लेड सल्फाइड बनेगा, ठीक है। मरकरी है तो मरकरी मरकरी सल्फाइड, बिस्मस सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ऐसे आपके सल्फाइड्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने लेड का लिया है, बढ़िया से लेड नाइट्रेट, लेड में कितना चार्ज होता है, टू प्लस टू चार्ज, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ज़रा जूम करते प्लस टू, ठीक है। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराइए सल्फाइड के साथ, कैडमियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ लेड रहेगा वो फिर रिएक्शन करेगा, फिर वो क्या करेगा, लेड सल्फाइड बनाएगा। तो ये एक तरह से क्या बनाता है, लेड सल्फाइड बेसिकली क्या होता है, यह कंपाउंड आपका सल्फाइड से रिएक्शन करने के बाद बनता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, दो मेथड इसका लिमिट टेस्ट करने के लिए, दोनों मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ चल रहा है, पेज नंबर के दिख था 6 पे, इसमें कुछ बेसिक सोल्यूशन बनाने के लिए बताया गया आपको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम भी पढ़ेंगे, बट पहले बेसिक पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई लेड का सब्सटेंस चाहिए, लेड में आप ध्यान दीजिए उसमें लिखा है लिमिट कितनी होनी चाहिए, 20 ppm, ठीक है। 1 ml लेंगे लेड सोल्यूशन, उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे 25 ml वाटर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका pH एडजस्ट करेंगे, pH कैसे एडजस्ट करेंगे बताइए, हाँ pH एडजस्ट करने के लिए हम लोग दो चीज़ यूज कर सकते हैं, एक कि एसिडिक यूज कर सकते हैं, एसिडिक बनाना है तो बेसिक बना दें तो अमोनिया सोल्यूशन यूज करेंगे, अमोनियम हाइड्रेट, अमोनिया जो रिएक्शन करती है वाटर के साथ तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है, और हाइड्रोक्साइड क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है, तो अमोनियम अमोनिकल सोल्यूशन आता है। अमोनिया गैस होती है, ध्यान देना, अमोनिया गैस होती है लेकिन आपको लिक्विड में मिलेगी, आप कहोगे सर ये तो लिक्विड में, तो वही वाटर के साथ रिएक्शन कर दी जाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और वही सोल्यूशन क्या करते हैं, pH मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। pH 3 से 4 तो कितना होना चाहिए, देखो जाहिर सी बात है आपने देखा, मैंने अभी बोला था कि H2S मीडियम जो होता है, H2S बेसिकली जितने भी लिमिट टेस्ट होते हैं इनके एसिडिक मीडियम में होते हैं, तो pH 3 से 4 है तो इसको बेसिक मीडियम में करना है तो क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, अमोनियम सोल्यूशन क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, pH 3 से 4 होते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा अल्टरनेट मान लो गलती से कोई बच्चा साथ कर दिया पीएच मुझे बेस ज़्यादा मिला दिया पीएच कम भी तो करना रहेगा तो एस टिक एसिड मिला देंगे पीएच घटाने के लिए तो एस टिक एसिड और अमोनियम सोल्यूशन यूज करेंगे। तो इससे नहीं उससे नहीं फर्क पड़ता पीएच अलग चीज़ होती है ठीक है स्टैंडर्ड में क्या फर्क पड़ेगा नहीं तो जब स्टैंडर्ड चीज़ें बनती है तो वो ऐसे लोग बनाते हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं अच्छे से और उनको प्रैक्टिकल आता हो ऐसा नहीं कि वो सीखना शुरू करते हैं समझ गए। तो इसके बाद क्या करेंगे डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ 35 ml वाटर डालेंगे फिर डाइल्यूट करेंगे ठीक है। उसके बाद करेंगे 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे ठीक है मिक्स करेंगे 50 ml तक डाइल्यूट करके उसके बाद 5 मिनट के लिए स्टैंड कर देंगे ठीक है। अब यही प्रोसीजर क्या करेंगे हम लोग टेस्ट के लिए फॉलो करेंगे ठीक। इसके कई मेथड है बस इसमें क्या करना है एटलीस्ट एक मेथड आप पढ़ लेंगे दूसरा तीसरा जो मेथड है उसको आप बाद में पढ़ लेना ठीक है। कुछ दिखाई दे रहा है नोटिस देखिए अच्छा ये दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ ये दिखाई दे रहा है अपना बचा ठीक है। तो ये इसको फिनिश कर लेते हैं स्टैंडर्ड का जो बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड तरीके से बनाते हैं टेस्ट वाला जो बनाएंगे वह किसी भी मेथड से आज पर ड्रग वाइज डिफरेंट कर जाता है ठीक है। तो ये हो गया आपका लेड का लिमिट टेस्ट इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है रिएक्शन नहीं है हैवी मेटल करके आएगा हैवी मेटल के बारे में आप लोग आराम से लिख लेंगे बाकी कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई एस टिक एसिड सोल्यूशन कैसे बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कैसे बनाएंगे तो एक तरीका होता है बेसिक फार्मूला होता है उसके थ्रू आप बनाते हैं ठीक है। एक मेथड और दिया गया है लिमिट टेस्ट फॉर लेड ये भी कर सकते हो आप यहाँ से बेसिकली यही वाला आप फॉलो करो सही है ठीक है। 3-4 मेथड दिया गया है इसके बाद पढ़ने के बाद एक और आएगा मॉडिफाइड क्लोराइड टेस्ट आर्सेनिक टेस्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे बहुत अच्छा है ये और इंटरेस्टिंग भी है आर्सेनिक में जो कंपाउंड की लिमिट किसी भी कंपाउंड में आर्सेनिक की लिमिट होनी चाहिए 1 ppm करके होता है ठीक है। यहाँ लिखा है 1 ppm लिखा है ठीक है और जनरली क्या बोलते हैं 2 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है। नमक जो कि खाने वाली चीज़ है डेली यूज होता है इसीलिए इसमें कम होना चाहिए 1 ppm ठीक है। बट इन जनरल आर्सेनिक की लिमिट कितनी है 2 ppm ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है एग्जिट एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से तैयार भी रखना है सारा चीज़ नहीं पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है अंडरलाइन कर लिए मेन मेन चीज़ें बस ख़त्म समझ गए। ऐसे पढ़ाई होती है ये नहीं पूरी लाइन बाई लाइन पढ़ी रहो फिर बाद में भूल गया। लिमिट टेस्ट में एक ऑपरेटर यूज होता है उसका नाम आपको याद होना चाहिए उसका नाम है गजेट ऑपरेटर्स ठीक है। उसका नाम अजीब टाइप से लिखा है गुड जेट ठीक है लेकिन इसको गजेट पढ़ते हैं ठीक है yes, और ये देखने में ऐसे होता है ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप जैसे कि देख रहे हैं ऑप्शन वाइज पूछ रहा है क्वेश्चन आजकल तो हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट टाइम इसके बारे में डिटेल में ठीक है। फिलहाल के आज के लिए इतना थैंक यू। मीटिंग एंड करते हैं रियलमी 7i इतने बच्चे हैं सब अनऑथेंटिकेटेड 3:12 हुआ है कुछ सीखा है आज आपने नहीं सीखा सीखे लिमिट टेस्ट दोबारा नहीं पढ़ाएंगे तो लॉस होना।
हम लोग को समझ गए हम लोग का लास्ट होगा ही भाई, जो घर पे नहीं, घर पे रहेगा उसको कौन जाएगा? क्यों?